हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग स्किल। आज हम एक जो विंडोज़ 10 में एक इशू आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और मैं बताऊंगा कि उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी ये मेरे सिस्टम में विंडोज़ 10 डला हुआ है, और कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी जो ये माउस है उसका जो कर्सर है वो ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जाके फंसता है। जैसे ये मेरा कर्सर देखिए, ये बहुत स्लोली मूव करता है। तो ये जो इशू है ये बहुत कॉमन इशू है, जब कई बार आपकी विंडोज़ अपडेट होती है, कई बार उस टाइम पे आप फेस करते हैं, और ये बहुत ही इरिटेटिंग इशू है। इसकी वजह से आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये इशू जो आता है विंडोज़ 10 में, ये जो हमारा माउस का ड्राइवर होता है उसकी वजह से आता है कई बार। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, मेरा जो राइट साइड का जो कॉर्नर है इसमें जैसे ही माउस जाता है वो बहुत स्लो मूव करता है। ये देखिए, इस तरह से करता है, और अगर मैं अलग ले आता हूँ तो यहाँ सही मूव करता है। तो ये एक इशू है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है विंडोज़ आइकन पे। यहाँ पे या तो हम सीधा डिवाइस मैनेजर लिख के सर्च कर सकते हैं, और इस डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करके डिवाइस मैनेजर मैनेजर विंडो पर जा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल लिखेंगे, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से ये डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। चाहे आपका स्मॉल आइकन व्यू हो, चाहे लार्ज आइकन व्यू हो, आपको डिवाइस आइकन, ये डिवाइस मैनेजर यहाँ पे दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। इस विंडो पर आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस। इस पर आपको क्लिक करना है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये माउस का ऑप्शन है, और इसको आप देखेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप जाएंगे, फिर यहाँ पर जो सेकंड टैब है ड्राइवर का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इधर चार पांच बटन्स दिखेंगे, इनमें से आप देखेंगे सेकेंड बटन है अपडेट ड्राइवर। तो सबसे पहले आप जो करेंगे इस इशू को फिक्स करने के लिए, अपने ड्राइवर्स को अपडेट करेंगे, अपने माउस के जो ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट करेंगे। तो वो यहाँ से आप क्लिक करके और ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके जो ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड हैं और उसके बाद भी ये इशू आता है, तो उसके बाद आप अपने डिवाइस को, जो माउस डिवाइस है उसको डिसेबल करके एक बार इनेबल करके देखेंगे। जैसे मैंने ये डिसेबल किया और फिर इसको वापस इनेबल कर लिया। अगर उसके बाद आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और उसके बाद भी ये इशू फिक्स नहीं होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डिवाइस को अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो माउस है वो एक अनइंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका जो माउस है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, उसके ड्राइवर्स अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसके बाद ये इशू जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह का कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये तीन चार स्टेप्स हैं, ये आप करके अपने सिस्टम में देख सकते हैं। और आई होप उसके बाद आपको ये जो पॉइंटर, माउस पॉइंटर जो फंसता है राइट साइड या लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, ये इशू आपका फिक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।